उसका पैर अच्छा हो जाता बोले कितने दिन बाद के ये नहीं यहाँ से चला के भेजते पैसे ऐसे तो नहीं दिए ये सामान वगैरह लाओ बोले बाहर ठीक है चलो अच्छे हो जाते डर रहे थे ना तुम इलाज कराने हाँ आपको जो देखा मैं कौन है आप हाँ हाँ कहाँ रहते कल आपके थे ना देखा ऐसा पहले हो गया ऑपरेशन उधर तो कुछ है आपके पास साथ जो है हमारे इलियास बेगम के शौहर हैं मोहम्मद खान साहब इलियास बेगम जो है सऊदी अरब को बहसीत कदामा गए थे इन्हों क्योंकि इनके शौहर की तबीयत बहुत ख़राब थी इनके शौहर नहीं कमा सक रहे थे तो मजबूरन इनकी वाइफ जो है 2016 जून में कदामा की हैसियत से रियाद गए थे वहाँ पर इनके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ कफील के पास एक मैनेजर था और वो कफील का बेटा और मैनेजर दोनों मिलके इनकी कुछ इज़्ज़त लूटने की कोशिश करे वो इज़्ज़त बचाने के लिए वो फर्स्ट फ्लोर पे से वहाँ से कूद गए कूदने के बाद में दोनों उनके पैर में फ्रैक्चर आया था तो दोनों पैर में फ्रैक्चर आने के बाद में इनको वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में इत्तला करने पर 40 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद में इनका एक पैर का इलाज वहाँ पर हुआ था और एक पैर परमानेंट इन्हों माजूर हो गए थे वहाँ से फ्लाइट में प्लास्टर पे इनको भेजे यहाँ पर भेजने के बाद में वो एजेंट के खिलाफ़ में इन्होंने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट बुक किए थे तो पहाड़ी शरीफ वाले एजेंट को गिरफ्तार नहीं किए एजेंट के ख़िलाफ़ में कोई एक्शन नहीं लिए फिर उसके बाद में केस जो है बालापुर को ट्रांसफ़र हुआ अचानक एक दिन इनके घर पे सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर कुछ पुलिस वाले आके बालापुर के इनको ज़बरदस्ती करने लगे कि आप केस विड्रा करो एजेंट के ख़िलाफ़ में बोल के ये मेरे पास आए थे तकरीबन 2 महीने पहले मेरे पास आए थे आए तो मैं पुलिस के हरेशमेंट के ख़िलाफ़ में हमारे रच्चागुंडा कमिश्नर महेश मुरलीधर भगवत साहब से मुतालबा किया था उसके बाद में इंक्वायरी हुई ACP वनस्थलीपुरम को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करते हुए इनको इंसाफ दिलाया गया एजेंट के ख़िलाफ़ में एक्शन हुआ और उसके बाद में अब रही बात इनके दोनों पैर से जो माजूर थे उसका इलाज करवाना था अल्लाह के फजल से हम चीफ ने कई लोगों को माली ताउन के लिए क्योंकि 4 लाख रुपए के करीब में इलाज के हो रहे थे कई लोगों को अपील करने के बावजूद कोई सामने नहीं आए इनकी वाइफ का इलाज कराने के लिए तो हम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मुतालबा किए थे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट जो है उन्होंने खुद एक आर्थोपेडिक चीफ ऑफ आर्थोपेडिक भी है मैं उनसे शख्सी तौर पे भी नुमाइंदगी करा था अल्लाह के फजल से इलाज ऑपरेशन हो गया और आज अभी उस्मानिया हॉस्पिटल में हैं हमारा मुतालबा है कि जो भी टीवी देख रहे हैं बहुत गरीब है इन्हों भी माजूर है इनको भी प्रॉब्लम है रीनल प्रॉब्लम है इनको और इनकी वाइफ है तो अगर कुछ मदद हो सके तो इन दोनों की मदद करें तो मेहरबानी होगी रिया बेगम का शावर बात कर रही हूँ कोई भी ऐसे मददगार है तो मदद कीजिए मेरे को बहुत परेशानी मेरे बीवी के दवाइयों के आसे गोलियों के आसे पैसे होना है बाहर से मंगा रहे रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट कराने के आसे पैसे नहीं है मेरे पास बहुत गरीब हूँ मैं परेशान हुए अल्लाह के फजल से अमजदुल्लाह खान साहब की तरफ से हो गया इलाज ऑपरेशन हो गया माशाल्लाह थोड़ी सी मदद हो गई तो बस है